हेलो फ्रेंड्स, जुली किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आम की जैम, यानी कच्चे आम से जैम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही चटपटी जैम बनने वाला है आज का। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिए। इस जैम को बनाते बनाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और आप बिना टेस्ट किए इसको रह नहीं सकते। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिए। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि आपको मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम कच्चे आम लिए हैं और आम के छिलके को रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आम के छिलके को रिमूव कर लिया है, तो अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे पैन। तो मैंने गैस पे पैन चढ़ाया है, पैन हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 ml पानी लिया है, डाल देंगे इसमें। और अब हम डालेंगे कटा हुआ आम, तो इसको डाल देंगे इसमें और कवर कर कर इसको हम हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाता। आप यहाँ पर नॉन स्टिक की कढ़ाई या कुकर का ही यूज़ करें। और यहाँ पर मेरा जो आम है ये देखिए उबल चुका है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये घुल गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो अब हम इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, गैस को बंद कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये अच्छे से उबल चुका है, तो इसी तरीके से आपको उबालना है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर मेरा आम ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से आम का जो जैम है ना वो बहुत ही सॉफ्ट एंड जेली टाइप बनता है, तो आप इसको ग्राइंड करें, मैं यही रिकमेंड करूँगी आपको। और अब हम इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड कर लिए हैं, तो ये देख सकते हैं ये कितना इसका जो पेस्ट है कितना स्मूथ बना है। तो अब हम चलते हैं इसके जो जैम बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फिर से कढ़ाई को गर्म कर लिया है और गर्म कढ़ाई में हम इस पेस्ट को डाल देंगे। और अब हम इसको चलाते रहेंगे, तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। और यहाँ पर डालेंगे हम चीनी, तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चीनी ऐड किया है। आप यहाँ पर चीनी 300 ग्राम ही ऐड करें, कम नहीं करिए, नहीं तो जैम जो खट्टा बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा क्रश किया हुआ इलायची, यानी कि 1 से 2 पीसेस। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिएगा और 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे हम इसको। याद रखिए कि चलाते रहना है। और अब हम डालेंगे बिल्कुल एक चावल के दाने इतना फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसमें फूड कलर डाला है, बिल्कुल कम डालना है फूड कलर, ये याद रखिए। और अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 2 मिनट के बाद मैंने आपको दिखाया है फिर से, ये देखिए इस तरीके से उबल रहा है और इसका कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर मेरा जैम जो है वो बिल्कुल पक चुका है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो एक प्लेट में हम थोड़ा सा जैम डालेंगे और थोड़ी देर के बाद इसको देखेंगे। अगर ये प्लेट से जैम बहने लग जाएगा तो सोचिए कि थोड़ा सा और पकाना है इसको। तो ये जैम देखिए नहीं बह रहा है, ये रुक रहा है प्लेट पर, तो इसका मतलब है हमारा जैम पक चुका है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और जैम को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसको कंटेनर में या सर्व कर सकते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर मेरा जैम देखिए ठंडा हो चुका है, तो ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जैम का जो थिकनेस है परफेक्ट है, जैम का टेक्सचर देख सकते हैं। मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, सच में मेरा फेवरेट है आम का जैम। और अब हम डाल रहे हैं इसको कंटेनर में। तो आप यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें या फिर आप शीशे वाले कंटेनर ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जैम वाली बॉटल में इसको डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं जैम का जो टेक्सचर है ना वो आपको देखने ही पता लग रहा होगा कि ये कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी, कितना यम। तो आप इसी तरीके से जैम को बनाइए और आप इसको आराम से स्टोर करके 6 महीने तक खा सकते हैं। ज़्यादा अमाउंट में बना के आप इसको बड़े बर्तन में रख सकते हैं, स्टोर करके फ्रिज में रखिए और 6 महीने तक आप इसको आराम से खा सकते हैं। ये जैम आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे को ब्रेड में लगाकर या रोटी में खाइए, ये बहुत ही अमेजिंग जैम की रेसिपी है। तो इस जैम को आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। इस जैम को बनाने के लिए आपको 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली तो आपको ये नॉन स्टिक की कढ़ाई या कुकर का ही इस्तेमाल करना है, यहाँ पर एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल ना यूज़ करें। दूसरा, जब भी आप जैम निकालते हैं बॉटल से तो आप भींगे चम्मच से बिल्कुल जैम को मत निकालिए, सूखे चम्मच का यूज़ कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।